का डर था गाइस, तेज बारिश एकदम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम सगन से आ चुके हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं। तो आज 30 जनवरी, आज हमारा थोड़ा फ्री डे है। तो आज जरा अभी हम सुबह मतलब डिनर के लिए सबने जब आना है, पंजाब से भी आ रहे और बंदे, तो सबके लिए अब वो लेने जा रहे हैं, सब्जियां लेने जा रहे हैं पापा के साथ। आज हमने पूरा दिन कोई प्रोडक्टिव काम तो नहीं किया, बट एक काम इनका चल रहा है अब जो मेन है, मैं दिखाता हूँ। फ्रूट का डब्बा जो सगन पे मिला है, ये लड़ रहे हैं किसी चीज के पीछे, मुझे पता नहीं है किस चीज के पीछे। क्या है ये, सिक्के? अरे ये लड्डू जी को लगाना, मुझे दे दे दो। दाद के वर्सेस मान के बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय। ओके बाय बाय, मिलते हैं। पूजे भी दे दियो, ठीक है? आप कर दो मुझे बाय। चल ओके, लव बाय, मिलते हैं। ठीक है, आ जाना टाइम से, आ जाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलो टाइम से उठ जाना। लग रहा आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा। The next day. Guys, welcome back to the channel. तो कल का वेला दिन बिता के 30 तारीख का हम आज पहुंच चुके हैं 31 जनवरी 2024, शादी का पेनल्टीमेट डे, और जिसे कहते हैं मेहंदी वाली रात, कॉकटेल नाइट। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, मेहंदी के लिए पैनल लग रहा है, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी छत पे उधर पैनल लग रहा है। अभी मेहंदी लगनी स्टार्ट होगी और रात को कॉकटेल नाइट है, देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो कीर्तन वाले दिन की तरह टेंट तो लग चुका है, बट आज थोड़ा और बड़ा टेंट लगा है मेहंदी वाली रात पे। पैनल लग चुका है इधर मेहंदी का, और ये पूरी इधर का छत के नज़ारे, डेकोरेशन जो रखी है दिखाता हूँ जरा थोड़े सिनेमैटिक्स के। तो गाइस कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। पार्किंग में सब कुछ कार्यक्रम होना है, गाड़ी खड़ी हुई है, क्या कह सकते हैं, अब ये भी निकलवानी जरूरी है। लड़के वालों का आगमन होने वाला है, तो उनके लिए कुछ तैयारियां हमें करनी पड़ेंगी, इसलिए हम जरा जा रहे हैं अपने प्यारे से भैया के साथ। पैनल तो मैंने आपको दिखाया था, लग चुका है, बट एक प्रॉब्लम हो चुकी है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश, पूरा मौसम बारिश वाला बन चुका है और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। तो थोड़े बहुत कारपेट हटवा रहे हैं, प्लीज़ भगवान जी बारिश मत आने देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। अगर बारिश आ गई तो ये तो कुछ नहीं, नीचे का भी जो टेंट लगा हुआ है वो भी सारा ख़राब हो जाएगा। इधर मेहंदी लगती हुई, तो अभी भाई थोड़ा बारिश का माहौल थोड़ा कम हुआ, अभी भी बूंदाबांदी चल रही है, पीछे से गाने चल रहे हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा माहौल बना पड़ा, मेहंदी वेहंदी लग रही है सबको। अब रात को होपफुली डीजे नाइट पे भी बारिश ना आए, बूंदाबांदी चलती रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना, ज़्यादा तेज ना आए। का डर था गाइस, तेज बारिश एकदम, बरसात होती हुई और सारा
काम बढ़िया सेट हो गया है, पैनल वैनल सबका काम हो चुका है। बार बारिश हो रही है, पूरा सेटअप का ऐसे का ऐसे ही रह चुका है। बढ़िया बारिश होती हुई और अंदर पूरे लाइट जा चुकी है सारे, मेहंदियाँ सिर्फ टॉर्चों के माध्यम से अब लग सकेंगी। सारे बंदे बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं बारिश रुक जाए, लाइट आ जाए तो कुछ हो जाए आगे, देखो क्या होता है। प्रोग्राम तो सारा बन गया, 3 पार्किंग खुलवा दी है, उधर से ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बारिश आ गई तो क्या हो गया, प्रोग्राम तो होगा ही ऐसे। वही तो, ऐसे टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है, जितना हमने फोटोशूट करवाना था बाहर करवा लिया और दिक्कत ही नहीं है। बाकी रुक जाएगी तो थोड़ा सा और हो जाएगा। इन्वेटर फिर से चला दिया गया है, कितनी देर चलता है इन्वेटर? और कड़ी चावल का भंडारा बढ़ता हुआ हमारे घर में। एक ये वाली पार्किंग हमने खुलवा दी है जिसके अंदर सारा काम हो जाएगा। एक हमारी पार्किंग तो है ही है और एक हमने ऑफिस की पार्किंग आपको दिखाई है, तो इन जो इस पूरे जगह के अंदर काम होना था वो इन 3 पार्किंगों में हो जाएगा आराम से। कोई टेंशन नहीं है, बारिश आती रहे, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, आएगी तो आती रहे भाई, क्या कर सकते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब आती रहे, कुछ नहीं होता, तेज आनी है तेज आ जाए, हमारा तो काम सेट बैठ गया। क्या चल रहा है? बस चल रही है, मेहंदी लाइट आ नहीं रही है, मेहंदी सूख नहीं रही है, बस यही बात चल रही है। थक गए हो? हाँ, तो उसी बैंड बजी हुई है। पटाखे निकाल दो आपके? शादी ये करना आसान नहीं, बोला किसने था करने को? फिर पापा ने। चल फिर ठीक है, ब्लॉग देखा जा रहा है आपका, शाबाश, लाइक करें। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करें। ये और एक ये आया, मम्मी समझाएंगी इसका क्या यूज है। दीदी मेहंदी झाड़ेगी इस कपड़े के अंदर, फिर ये वापस जाएगा ससुराल में। और ये तेल आया है जो सिर पे लगाना है, कल मैं उसको चौपड़ दूंगा इस तेल से। इधर स्टार्ट हो चुका है, इधर फोटो शूट चलता हुआ और बाकी इधर पूरा सज चुका है, पार्टी चलती हुई, ये इनके फोटो शूट चलते हुए। मुझे भगा दिया, मेरी एक भी फोटो नहीं खींची है इन्होंने अभी तक, क्योंकि मुझे खींचने नहीं दी जा रही है। पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जो सुबह दिखाया था, जहाँ पे पूरी बारिश आई थी, बट अब सारी बारिश ओवर हो चुकी है और चीजें स्टार्ट हो चुकी है। पैनल का लुक आ रहा है, जो मतलब सनलाइट के अंदर आना था वो आर्टिफिशियल लाइट के अंदर अब लुक आएगा। शर्मा कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया भाई, हमारी सिस्टर की शादी हो रही है, बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? अंदर। मजा आ रहा है गाइस मेहंदी लगवाने में? रियली एंजॉयिंग। पार्किंग में हुआ खाना जो सुबह दिखाई थी, अब इधर सारे चीजें डेकोरेट करवा दी गई है, तो इधर अब खाना चलेगा, सारे एंजॉय चल रहा है। बढ़िया हो गया, टेस्टी है, बारिश आने के बावजूद भी सही हो गया। हाँ, अच्छा फिर, अच्छा बढ़िया सब कुछ, आने तो बाद में। बढ़िया, आपको सुबह कपड़ा दिखाया था उसका कार्यक्रम होता हुआ। बाबू बाबू क्या हो गया? मैं भी रो दूंगा, आप भी रो दूंगा।
क्यों भाई क्यों, बस भाई बस। मेहंदी की नाइट खत्म हो चुकी है, बीच में ब्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि काम और एंजॉय पता जैसे करते रह गए। 3 बज रहे हैं और बाहर का माहौल देखो भाई सब, बारिश चलती हुई एकदम, आवाज़ देखो सुनो ऐसे हो रखा है, लहरिया माहौल बना हुआ भाई साहब, अलग गजब ही माहौल बना हुआ। सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, सारा सामान इधर आ गया है, खाने पीने का जिसने खाना हो आ जाना। तो गाइस प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा, बुआ इधर ही सो रही हैं मस्त। ये हमारी इनकी कल शादी है, ये भी थक गई हैं, ये भी इधर ही सो रही हैं, इनको काम करने से चैन नहीं आ रहा, सुबह उठ नहीं पाएंगे और मैं उठाऊंगा नहीं। क्या करके आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो आप अभी, कहाँ गए थे? भाई कूड़ा फेंक के आया। एक बार सीन क्या हुआ भाई, हमें कोई बाइक नहीं मिल रही थी, एक बार स्कूटी खड़ी थी, उसकी स्कूटी की चाबी हमारी स्कूटी में लग जाती है, वो स्कूटी की चाबी निकाल के उसकी स्कूटी में लगाई, स्टार्ट करी, उसने चाबी मुझे दी, मैं स्टार्ट करी, स्कूटी उठा के कार पे कूड़ा फेंक के आ गए। देखो रातों रात किसी की भी स्कूटियां चोरी कर लेते हैं। मेहंदी की रात हो चुकी है ओवर, सब कुछ हो चुका है ओवर, अब कल आपको सुबह हम मिलेंगे हल्दी के टाइम पे, कल शादी है, कल मिलते हैं, अपनी बहन को विदा करेंगे, कोशिश करेंगे रोएंगे नहीं। इधर ही रहो, आप खराटे मारोगे, कॉम्पिटिशन दो, हम जा रहे हैं। 3 बजे हम अपने टेंट के नीचे भटकते हुए, हमें जगह नहीं मिल पा रही है सोने के लिए, हम पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, भगवान जी हमें बचा दो।